नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रीमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में गाइडलाइन के संशोधन को लेकर के। दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी है उनको एक पत्र लिख करके मांग की गई है कि वो सरकार से अपनी ओर से अनुरोध करें कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं की गाइडलाइन में वो संशोधन किया जाए। तो उस पत्र में क्या लिखा गया है, क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सतीश पूनिया जी जो कि प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा राजस्थान के, उनको ये लेटर लिखा गया। आप देख सकते हैं इससे है विश्वविद्यालयों की परीक्षा गाइडलाइन में संशोधन हेतु। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, श्रीमान जी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि देश में कोरोना महामारी के समय में सबसे अधिक पीड़ित युवा वर्ग है, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि छात्र वर्ग कॉलेज बंद होने के कारण पिछले 2 साल से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तथा बहुत से छात्र ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं ले पाए हैं। इस तनाव भरी स्थिति को देखते हुए देश के कई राज्यों यथा दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो या अन्य कई राज्य हो, उन्होंने छात्रों के हितों में ओपन बुक परीक्षाएं करवाने का सराहनीय फैसला लिया है और उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में संशोधन कर एक दिन में सराहनीय फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें मांग की गई है कि उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में संशोधन करके है वो एक दिन में एक पेपर ही लेवें। सबसे पहले दोस्तों मांग तो ये की गई है और आगे आप देख सकते हैं, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रदेश में भी कोरोना की भयावह स्थिति के कारण छात्रों के हितों में ओपन बुक परीक्षा पैटर्न से परीक्षा करवाया जाना सुनिश्चित करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जल्द ही यह सराहनीय फैसला कर छात्रों को न्याय देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, समस्त विश्वविद्यालय छात्रों को यहाँ पर प्रार्थी बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों कई स्टूडेंट्स के हैं वो सिग्नेचर भी किए गए हैं, मैं आपको फ़ोटो भी आगे दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों आप उन स्टूडेंट्स की है वो फोटोज़ देख रहे हैं जिन्होंने है वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी को है वो ये लेटर सौंपा है, ज्ञापन दिया है। तो दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से 2 प्रमुख मांगें की गई है। पहली प्रमुख मांग ये की गई है कि ओपन बुक पैटर्न से वो परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए और एक दिन में एक ही परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार की जैसी मनसा लग रही है, जिस प्रकार का है वो डिसीजन ले रही है या जिस प्रकार का बर्ताव कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ओपन बुक मोड में है वो राजस्थान सरकार परीक्षाएँ लेने के लिए तैयार है। किंतु कम से कम राजस्थान सरकार व विश्वविद्यालयों प्रशासन को यह तो करना चाहिए कि एक दिन में जो 2 या 3 पेपर लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी विद्यार्थियों के साथ में सही नहीं है, विद्यार्थियों के साथ में है वो बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। तो मेरा अभी भी दोस्तों राज्य सरकार से, उच्च शिक्षा विभाग से व सभी विश्वविद्यालयों से यही निवेदन है कि वो अपने इस फैसले को, मनमाने फैसले को वापस लेवें और एक दिन में एक पेपर का ही आयोजन करें। विद्यार्थियों को वैसे ही बहुत कम समय मिला है, आपने जो अपनी कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के वो गाइडलाइन जारी करने में इतने ज़्यादा दिन लगा दिए कि विद्यार्थियों को पहले तो असमंजस की स्थिति रही कि परीक्षाओं का आयोजन होगा या नहीं होगा। कई विद्यार्थी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, कई विद्यार्थी अपने हायर क्लासेज की तैयारी करने लगे, लेकिन फिर आपने एग्ज़ाम करवाने का मनमाना फैसला डायरेक्ट निकाल दिया, वो भी ऑफलाइन परीक्षाएं और 3-3 परीक्षाएं एक साथ में। और विद्यार्थियों को समय मिला तो 15 से 20 दिन का समय, उसमें भी उनका सिलेबस पूरा हुआ हुआ नहीं है, ऑफलाइन बिल्कुल भी क्लासेज लगी नहीं है, ऑनलाइन में भी जो गांवों के विद्यार्थी हैं उनके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं। तो 20 दिन में आप कैसे ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करके 3-3 पेपर है वो एक साथ दे सके, 2-2 पेपर एक साथ दे सके। तो इस अपनी मनमानी गाइडलाइन में है वो संशोधन करें और विद्यार्थी हितों में निर्णय लेवें। और साथ ही साथ दोस्तों, जो अभी डिसीजन ऐसे भी बात आ रही है कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी अतिशीघ्र प्रारंभ करने की बात की जा रही है, तो वो तो दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उन्हीं का उल्लंघन है। तो सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है वो सभी विश्वविद्यालय प्रशासन पर लागू करें और उन्हें इस बात के सख्त निर्देश दें कि आप उन गाइडलाइन में है वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें, गाइडलाइन के अनुसार ही चलें। सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी यही सिस्टम किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय से जो अपडेट आ रही है कि जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाओं का आयोजन भी करवाने की बात की जा रही है, जबकि दोस्तों जो पीजी प्रीवियस के विद्यार्थी हैं उनको प्रोविजनली प्रमोट करने का आदेश था। तो आप फिर पीजी फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कैसे ले रहे हैं,
SS जैन सुबोध PG कॉलेज ने है वो PG फल सेम की परीक्षाओं को लेकर के नोटिस निकाला, तो आपने उस नोटिस को विड्रॉ करवाया। आपने कहा अभी फल सेम की परीक्षाएं हो ही नहीं सकती है, तो फिर राजस्थान विश्वविद्यालय है वो 5 से 10 दिनों के अंतराल के बाद में है वो परीक्षाओं का आयोजन कैसे करवा रहा है, इस बात का जवाब भी जरूर दोस्तों राज्य सरकारों को देना चाहिए। और भी कोई अपडेट विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित, टाइम टेबल से संबंधित, डेट शीट से संबंधित आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।